हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें एग्ज़ाम में 99% स्टूडेंट गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स बताएंगे आपको जिनके बाद वर्ब का प्रयोग जो है वो इनसे पहले जो नाउन होगा उसके हिसाब से आती है। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वर्ड्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं जिससे एग्ज़ाम में उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वही वर्ड्स बताएंगे और उनके हिसाब से वर्ब कैसे यूज़ होगी वो भी बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्नड बाई, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, डोमिनेटेड बाई और रन बाई के पहले प्रयोग किए गए सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने वर्ड्स दिए हैं इनके बाद सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आपको इनमें से कोई सा वर्ड्स आपको दिख जाए तो इनके बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा वो इनसे पहले जो नाउन होगा उसके हिसाब से आएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं ये सारे वर्ड्स फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, व्हाट, बिसाइड्स, रेदर देन, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, कंट्रोल बाई, लेड बाई और रन बाई। अब फ्रेंड्स, हम इनका एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि ये द क्रिमिनल दिया हुआ है, अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, जो क्रिमिनल है वो अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वर अरेस्टेड, अरेस्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स में क्या गलती करते हैं, जैसे उन्होंने ये देखा ये फॉलोअर्स लिखा हुआ है और इसी के हिसाब से ये वर आ गई है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको राइट कर देते हैं, जो कि सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। इसमें ये वर नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा वाज। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। द क्रिमिनल, फ्रेंड्स ये जो द क्रिमिनल है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति है, अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। तो ये यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल के बारे में बात हो रही है, ना कि फॉलोअर्स के बारे में। तो एक व्यक्ति है, इसी के हिसाब से यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब जो है वो वॉज आएगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, स्टूडेंट इसमें इस टाइप से गलती करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जब भी आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस सॉल्व करें, उसमें एरर ढूंढें, तो सबसे पहले आपको उसमें ढूंढना है सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद आपको ढूंढना है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होनी चाहिए और सब्जेक्ट के हिसाब से ही फ्रेंड्स प्रोनाउन होना चाहिए। ज़्यादातर एरर इन्हीं से होती है। और फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, सब्जेक्ट जो है वो आपका किस काल में है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट मार्क खा जाते हैं और गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ये आप समझ सकते हैं, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये क्रिमिनल सिंगुलर है और इसी के हिसाब से ये सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो हिज आया हुआ है और इसी के हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर ये वर्ब जो है वो आई है वर्ब। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स, ये इसमें लिखा हुआ ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स आर फाउंड गिल्टी। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट इसमें भी वही केस करते हैं, क्या करते हैं, ब्रदर्स के बाद ये आर आया हुआ है जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ही जो है वो सिंगुलर है और इसके बीच में आया ये एंड नॉट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए एंड नॉट। मैंने आपको बताया है कि इनमें से कोई सा भी वर्ड्स अगर सेंटेंस में होगा तो इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा वो इससे पहले जो नाउन है उसके हिसाब से आएगी। इस सेंटेंस में भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ था अलोंग विद, आप देख सकते हैं ये दिया हुआ अलोंग विद। देखा फ्रेंड्स, इस तरह से एग्ज़ाम में एरर आती है। तो ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स, ही के हिसाब से यहाँ पर ये प्रोनाउन आ गया है और इसी के हिसाब से यहाँ पर ये इज वर्ब आएगी, क्योंकि वह इसी के बारे में बात हो रही है, ना कि इसके ब्रदर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, द प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें जो है सब्जेक्ट रखेंगे, द प्रिंसिपल जो है वो सिंगुलर है। इसके बाद विद ऑल हिज टीचर्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये विद आ गया यहाँ पर। तो
विद का प्रयोग इसमें किया गया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो नाउन होगा उसी के हिसाब से इसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, ये आर गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा इज। कमिंग हेयर, अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो फ्रेंड्स देखा, यहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो रही है क्योंकि इनको ही प्राथमिकता दी हुई है, ना कि इनकी, ये तो केवल ऐसे ही कॉमन सेंस के लिए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स कभी भी इसने ये गलती ना करें, इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लें। इनके बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा वो इनसे पहले जो नाउन होगा उसके हिसाब से ही होगा। फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये देखिए, इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैंने इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट हुआ किया है, क्यों? द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज़ कमिंग। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस सही है, लेकिन मैंने ये दोबारा लिखा क्यों, इसका कारण ये है फ्रेंड्स, मैंने एक एग्ज़ाम में देखा था ये कमिंग को जो है वो मिस स्पेल्ट में पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में। कुछ स्टूडेंट ने जल्दबाजी में कमिंग की स्पेलिंग ही गलत कर दी, उन्होंने कर दी COMMING, जो कि नहीं है। कमिंग की स्पेलिंग है COMING, इसको भी फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में एग्ज़ाम में स्टूडेंट नहीं ध्यान दे पाते हैं इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन वर्ड्स के बारे में, जिनके बाद वर्ब का प्रयोग जो है वो इनसे पहले जो नाउन होंगे उसके हिसाब से होंगे। देख लीजिए वर्ड्स कौन से, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, व्हाट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्न्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, डोमिनेटेड बाई और रन बाई। इनके बाद जो सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो इनसे पहले जो नाउन होगा उसके हिसाब से आएगा। फ्रेंड्स इस टाइप के वीडियो आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैंने बहुत ही ढूंढकर रिसर्च करके बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स इसके अलावा हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज और भी जीके के वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे इंस्टाग्राम नॉलेज स्टडी ललित के नाम से बना हुआ है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे भारत।